Hi dear kids, how are you all? I hope you all are doing good. So, we are back to your SST class. I am your teacher and mentor Ananya and I am back with a new lesson of your book that is Jelly Bean Journeys in Social Studies for Class 5 by Brainroot Publication. Children, today we are about to begin lesson number 11, that is Continents and Oceans. ऑलराइट तो आज हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानेंगे और अलग अलग जो हमारी ओशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स बिगिन, कम लेट्स गेट स्टार्टेड. इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन टू प्राइम टॉपिक्स दैट आर फर्स्ट कॉन्टिनेंट्स एंड द सेकेंड इज ओशंस. ओके, नाउ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर let's see, there is an activity for all of us. On the given outline map of the world, color 7 continents and 5 oceans. Also name them. We all are aware that there are in total 7 continents. Hai na, kitne continents hai? 7 continents hai aur 5 mahasagar yani 5 oceans hai. सो वॉट दे हैव गिवन एज अ वर्ल्ड मैप. हमें एक वर्ल्ड मैप दे दिया गया है और कहा गया है कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनको कलर करना है और जो 5 ओशंस हैं उन्हें भी कलर करना है. कलर करने के बाद हमें इन कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के नाम भी लिखने हैं. ऑल राइट, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Earth is the third planet from the sun. It is the only planet known to have an atmosphere that contains oxygen. तो अगर हम सोलर सिस्टम को देखें ध्यान से तो अर्थ जो है वो तीसरे नंबर पे आता है. ठीक है, जब हम सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को अरेंज करते हैं सीक्वेंस में तो अर्थ कम्स एट द थर्ड नंबर. बट इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ एटमोसफेयर and which makes oxygen available for its living creatures. ये एकमात्र planet है जिस पर life possible है, यानी जीवन यहाँ पे possible है. ठीक है, this is because it has most favorable conditions for life. Approximately 71% of its surface is covered with water and remaining 29% is landmass or land. ठीक है, यानी अर्थ का अगर टोटल सरफेस हम देखें तो फिर ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है. ठीक है, एक बार पीछे चलते हैं. सी, दिस इज़ द वर्ल्ड मैप, राइट. अब अगर हम इसमें देखें तो यू कैन सी मोस्ट ऑफ द एरिया इज़ कवर्ड विद ब्लू. द ब्लू एरिया शोज़ द वाटर. तो अगर आप देखें कंपैरिजन करें तो ब्लू काफ़ी ज़्यादा है, यानी ओशंस और वाटर ने अर्थ का ज़्यादातर हिस्सा यूज़ किया हुआ है या कवर किया हुआ है. दिस पोर्शन इज़ इक्वल टू 71%. ठीक है, और ये जो लैंड मासेस हैं जिन पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं ये सिर्फ 29% ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करते हैं. ऑलराइट, तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में. लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, यानी बड़े बड़े लैंड के टुकड़ों को हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं. ठीक है, देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और इनके नाम क्या क्या हैं? एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. तो ये 7 जो हैं लैंड मासेस अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे. ठीक है, एशिया के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं. एशिया इज़ द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. पहला और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो है एशिया. यहाँ तक कि हमारी जो कंट्री है इंडिया वो भी एशियन कॉन्टिनेंट का ही एक हिस्सा है, यानी एशिया का ही एक पार्ट है. Asia is the largest continent and occupies about 1/3 of world's total land area. यानी जो land area है that is 29%, उसको अगर हम तीन हिस्सों में बांट दें तो एक पूरा हिस्सा
जो है एशिया ही कवर कर लेती है. ऑलराइट, इट इज़ सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट, इंडियन ओशन इन द साउथ एंड आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ. यानी एशिया के ईस्ट की तरफ अगर हम देखें तो पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आर्कटिक ओशन है, और अगर साउथ की तरफ आएंगे तो इंडियन ओशन है. इंडिया एंड चाइना आर द मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट आर लोकेटेड इन दिस कॉन्टिनेंट. तो एशिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर दो कंट्रीज है, दैट इज़ वन इज़ इंडिया एंड वन इज़ चाइना. एशियाज़ क्लाइमेट इज़ मोस्टली ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पे. इट हैज़ रिच वराइटी ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स. पहले हम आगे बढ़े, उससे पहले देखिए एक वर्ल्ड मैप है जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और ओशन को शो करता है. ये देखिए, दिस इज़ एशिया. एशिया में ये हमारा इंडिया है, ये वाला पोर्शन. ऑलराइट, यहाँ पे है पैसिफिक ओशन, ऊपर है आर्कटिक ओशन और नीचे है हमारा इंडियन ओशन. एंड इफ़ यू सी केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखें तो एशिया काफ़ी बड़ा है, सबसे बड़ा एशिया ही है कॉन्टिनेंट्स में. ऑलराइट, सो लेट्स मूव फर्दर. सो देयर आर लार्ज फिजिकल, डिफरेंट वेराइटी ऑफ फिजिकल फीचर्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, द गोबी डेजर्ट इन चाइना, द कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड थार डेजर्ट इन इंडिया, वन ऑफ द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. एशिया ना केवल सबसे बड़े कॉन्टिनेंट्स में आता है, बल्कि इंडिया और चाइना में ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि इसे वर्ल्ड में यूनिक बनाता है. अब ये क्या चीज़ें हैं? फर्स्टली, एशिया में चाइना आता है और चाइना में वर्ल्ड का सबसे कोल्ड डेजर्ट यानी गोबी डेजर्ट है. इसके अलावा जो हॉट डेजर्ट है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट डेजर्ट थार डेजर्ट, वो भी इंडिया में ही है. ठीक है, हॉटेस्ट डेजर्ट्स में से ही आता है थार डेजर्ट. एंड ऑल्सो द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, हिमालयस, इट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, इट ऑल्सो लाइज इन द एशियन कॉन्टिनेंट. ऑल राइट, एक बार इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग फैक्ट. सेवरल मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, द प्लैनेट सरफेस अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस ड्यू टू जियोलॉजिकल प्रोसेसेस. द फर्स्ट मेजर लैंड मास टू इमर्ज वॉज अ वास्ट सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज पैंगेया. The gigantic landmass existed during the late Paleozoic and early Mesozoic eras, approximately 335 to 175 million years ago. यानी अभी हमारा जो अर्थ है या अर्थ के जो लैंडमास है, ये शुरू से ऐसे नहीं थे. अगर हम बहुत डीप रिसर्च करें तो साइंटिस्ट का मानना है कि पहले अर्थ का जो लैंडमास था वो सारा जुड़ा हुआ था, तब ये अलग अलग नहीं थे, ये सारे कॉन्टिनेंट्स ऑलमोस्ट जुड़े हुए थे और वो पैंगिया नाम के एक बड़े से लैंडमास का एक हिस्सा थे. ऑलराइट, लेटर स्लोली एंड ग्रेजुअली ड्यू टू जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो सुपर लैंडमास था वो धीरे धीरे हिस्सों में बट गया और हमें हमारे सात कॉन्टिनेंट्स मिले. ऑलराइट, ऑलराइट, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द सेकेंड कॉन्टिनेंट. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका. अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी अगर हम इसे लार्ज से स्मॉल में जाए तो अफ्रीका दूसरे नंबर पे आता है. यानी एशिया के बाद जो बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है आपका अफ्रीका. ऑलराइट, इट ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट 20.4% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया. यानी टोटल लैंड एरिया का 20.4% अफ्रीका कवर करता है. अफ्रीका इज़ कवर्ड बाय इंडियन ओशन इन द ईस्ट, द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट एंड सदर्न ओशन इन द साउथ. इट टू इट्स नॉर्थ लाइज द मेडिटेरियन सी. अफ्रीका हैज़ डाइवर्सिटी इन लैंड फॉर्म. अफ्रीका में डिफरेंट वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स मिलेंगे. कहीं पे आपको डेजर्ट्स मिलेंगे, कहीं पे आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे, कहीं पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे. तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं. The equator passes through Africa, which has resulted in great climatic variations. Equator जो है वो अफ्रीका के
बीच में से पास करता है और इसी की वजह से वहाँ के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। ठीक है, द सहारा डेजर्ट, द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, द नाइल रिवर द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, एंड माउंट किलिमंजारो विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, ऑल कैन बी फाउंड इन अफ्रीका। यानी कि नाइल जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया का, ठीक है, सहारा जो कि दुनिया का सबसे हॉट डेजर्ट है, और साथ ही में माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका का हाइएस्ट माउंटेन है, ये सभी आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, अफ्रीका में मिलेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट चिल्ड्रन, सो अब हम एंटार्क्टिका के बारे में पढ़ेंगे। एंटार्क्टिका ऑल्सो कॉल्ड द व्हाइट कॉन्टिनेंट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है व्हाइट कॉन्टिनेंट? बिकॉज इट इज़ कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ स्नो थ्रू आउट द ईयर, है ना। साल भर यहाँ पे बर्फ की एक मोटी सी शीट जो है कवर करके रखती है। ये पोल्स के साइड में है, मतलब पोलर रीजन्स में से आता है, इसीलिए ये हमेशा ठंडा रहता है। इवन हमने ये भी पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में कि एंटार्क्टिका इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। ऑलराइट, इट इज़ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड द विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट। बीइंग द डेजर्ट ऑफ आइस, इट इज़ प्रैक्टिकली इनहेबिटेबल, एंड हेंस द कंट्री हैज़ अ पॉलिटिकल बाउंड्री ऑन इट्स कॉन्टिनेंट। वेल सील्स पेंगुइन्स लिव इन दिस कॉन्टिनेंट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अंटार्क्टिका लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द एंटार्क्टिक रीजन, एंड द ज्योग्राफी साउथ पोल लाइज इन एंटार्क्टिका। इट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाई सदर्न ओशन, यानी एंटार्क्टिका के आसपास आपको चारों तरफ क्या दिखेगा, सदर्न ओशन दिखेगा। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग द USA, रशिया एट्सेट्रा हैव सेट अप देयर रिसर्च लेबोरेटरीज हेयर टू एक्सप्लोर एंटार्क्टिका। यानी काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने जो है अपनी रिसर्च लेबोरेटरीज़ यहाँ पे सेटअप की हैं ताकि एंटार्क्टिका पे जाकर वो रिसर्च एक्टिविटीज़ को पूरा कर सके। ऑलराइट, तो यहाँ सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए साइंटिस्ट रहने के लिए जाते हैं, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी लोग नहीं रह पाते क्योंकि यहाँ एक्सट्रीम ठंड है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया जो है वो है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो सबसे छोटे लैंड मासेस में से आता है, बहुत ज़्यादा छोटा है ऑस्ट्रेलिया। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो नोन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट, जिसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट के भी नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक छोटा सा लैंड मास है जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है, यानी चारों तरफ समुंदर है। ऑलराइट, इट इज़ ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज़ ऑल्सो अ कंट्री। ये ही अपने आप में एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि एक कंट्री भी है। बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारी कंट्रीज होती है, लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटा है तो इसमें सिर्फ एक ही कंट्री है और वो है ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ। ऑलराइट, इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड इज सराउंडेड बाई द इंडियन ओशन इन द वेस्ट, द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट, एंड सदर्न ओशन इन द साउथ, एंड द अराफ्यूरा सी इन द नॉर्थ। ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर इट्स ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट एंड ग्रेट बैरियर रीफ। ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के जो उसको वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर करता है। सी द पिक्चर ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ, दिस इज़ कम्प्लीटली, एज यू कैन सी द ग्रीन पोर्शंस, दीज आर बेसिकली कोरल वाटर्स। ठीक है, ये कोरल्स हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ऑलराइट, सी द पिक्चर, यू कैन योर सेल्फ फाइंड आउट द ब्यूटी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप इज़ द सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज यूरोशिया। ऑलराइट, यूरोप और एशिया बिल्कुल नेबर्स हैं, इनफैक्ट ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं ऑलमोस्ट, और इसीलिए इन दोनों को साथ में जब हम बोलते हैं तब हम इसे यूरेशिया बोलते हैं। ऑलराइट, दे फॉर्म द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड ऑन द अर्थ। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, इनकी बॉर्डर्स को अगर अलग ना किया जाए, तो फिर ये सबसे बड़ा लैंड मास क्रिएट कर सकते हैं वर्ल्ड में। यूरोप इज़ बॉर्डर्ड बाय मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी साउथ में है, एशिया टू द ईस्ट एंड अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट। ऑलराइट,
technologically developed countries with high standard of living such as United Kingdom and France are part of Europe. यानी यूरोप में ज़्यादातर आपको जो है टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ और काफ़ी हाई स्टैंडर्ड लिविंग कंट्रीज़ मिलेंगी, जैसे यूके, ब्रिटेन एंड योर फ्रांस. क्लियर? नेक्स्ट, देयर इज़ अ फन फैक्ट, एंटार्क्टिका इज़ द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड. ये हमें ऑलरेडी पता है, वहाँ पे डिफरेंट रिसर्च स्टेशन है जहाँ साइंटिस्ट आकर रिसर्च वर्क करते हैं, जिस वी ऑलरेडी हैव स्टडीड इन अवर चैप्टर्स. नाउ इट्स टाइम टू नो मोर अबाउट नॉर्थ अमेरिका. अब हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में ज़्यादा जानेंगे. सो लेट्स बिगिन. नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. यानी अगर कॉन्टिनेंट्स के साइज की बात की जाए तो नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है. इट इज़ बॉर्डर्ड बाई आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ. ऊपर नॉर्थ की तरफ आर्कटिक ओशन है. अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट. ईस्ट की तरफ जाएंगे तो अटलांटिक ओशन है. वेस्ट की तरफ पैसिफिक ओशन है. नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के साथ कनेक्टेड है एक बहुत ही पतली सी पोर्शन से, जिसको हम इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं. ठीक है, पनामा कनाल के पास इस्थमस ऑफ पनामा के थ्रू जो है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आपस में कनेक्ट होते हैं. ऑलराइट, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेस एंड वाटरफॉल्स सच एज द एल्पाशियंस एंड द रॉकीज. एल्पाशियंस एंड रॉकीज जो हैं आपके माउंटेन रेंजेस है, जिसको हम पॉपुलरली एल्प्स के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, एंड जब हम वाटर बॉडीज के बारे में बात करेंगे तो नाइग्रा फॉल्स इज देयर. दिस कॉन्टिनेंट इज द होम टू डेवलप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सच एज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कैनेडा. इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में आपको जितनी भी कंट्रीज है वो ज़्यादातर जो है डेवलप्ड नेशंस या डेवलप्ड कंट्रीज मिलेंगी, जो कि टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं. ठीक है, नाउ सी द ब्यूटी ऑफ नाइग्रा फॉल्स एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ रॉकीज द माउंटेन रेंज. ब्यूटिफुल इजंट इट? लेट्स प्रोसीड फर्दर. नाउ साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ये चौथे नंबर पे आता है. ड्यू टू इट्स टोपोग्राफी मोस्ट ऑफ द पीपल इनहेबिट इन इट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट. इसकी जो लैंड फॉर्म्स है उसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट में ही रहना पसंद करते हैं. अ लॉन्ग स्ट्रिच ऑफ माउंटेन्स कॉल्स द एंडीज रन पैरेलल टू पैसिफिक कोस्ट एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट waterfall or we can say the highest waterfall, that is Angel Falls, can be found in this continent. And also we find the second largest river, that is Amazon, in this particular continent. Nile River जो सबसे मतलब largest है वो यहाँ पर नहीं है. हमारा second largest river जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, जो है Amazon River Basin. Okay? This continent is most famous for its biodiversity. अलग अलग तरह की आपको species of animals and trees यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. It has the thriving in world's largest forest, that is Amazon rainforest. ये आपका जो है picture है Amazon rainforest का. Alright, Amazon rainforest जो कि world का सबसे बड़ा forest है, जिसको कि lungs of earth भी बोला जाता है, वो यहीं पे पाया जाता है. Alright. Now let's read about the oceans. Continent के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कौन सा continent किस number पर आता है, क्या क्या उसकी variety of features है, that we have studied. Now we will move to the oceans. ठीक है, there are five oceans: the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean, the Arctic Ocean. A rich variety of plants and animals are found in these oceans. Together they are called marine life. The oceans contain 97% of the earth's total water. यानी इन oceans में earth का 97% पानी जो है मिलता है. ठीक है, together they are called marine life. The oceans contain 97% of earth's total water. यानी इन oceans को साथ में मिला के हम marine life बोलते हैं, और ये oceans जो है 97% of the water found on earth इन्हीं oceans में रहता है. ऑलराइट, अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं. फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन. द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड. यानी पैसिफिक ओशन सबसे पहले पोजीशन पे आता है.
इट इज़ लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा गहरा भी है, यानी डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड. इट डिवाइड्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया से नॉर्थ और साउथ अमेरिका को ये अलग कर देता है. द मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ. ये एक आपको पिक्चर के थ्रू समझाया गया है, जो डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का वो मरियाना ट्रेंच जो है वो इसी पैसिफिक ओशन में मिलता है. इट कवर्स 30% ऑफ द अर्थ सर्फेस. अर्थ का 30% हिस्सा जो है पैसिफिक ओशन अकेले ही कवर कर लेता है. सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव एंड डॉर्मेंट वॉल्केनोज आर फाउंड इन द बेसिन ऑफ द पैसिफिक ओशन, यानी सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी जो है पैसिफिक ओशन में ही आपको मिलते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट इज अटलांटिक ओशन. द अटलांटिक ओशन इज ऑल्सो नो एज द सी ऑफ एटलस. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन. इट कवर्स 29% ऑफ द अर्थ सर्फेस, यानी पैसिफिक और अटलांटिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1% का डिफरेंस है, फिर भी ये सेकेंड नंबर पर आता है. ऑलराइट, it separates Europe and Africa from North America and South America. It is connected to all other oceans in the world. सभी oceans के साथ ये connected है. There is an underwater mountain range in this ocean known as Mid-Atlantic Range. इस ocean के अंदर Mid-Atlantic Range के नाम से एक mountain range है. As you can see the picture, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो divers हैं, scuba divers, वो लोग कई बार जाते हैं scuba diving के लिए. All right? नेक्स्ट इज इंडियन ओशन. द इंडियन ओशन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन. हमारे जस्ट कंट्री के नीचे ही ये ओशन है, इसको थर्ड लार्जेस्ट ओशन बोला जाता है. एंड इट कवर्स 20% ऑफ द अर्थ सर्फेस, 20% अर्थ सर्फेस का कवर करता है. इट लाइज टू द साउथ ऑफ एशिया एंड इज़ नेम्ड आफ्टर इंडिया. ये इंडिया के बाद इसका नाम आया है, मतलब इंडियन ओशन का नाम जो है वो इंडिया से डिराइव हुआ है. ऑलराइट, ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को अलग अलग कर देता है, अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है. इट इज़ कनेक्टेड टू मेडिटेरियन सी बाय स्विस कैनाल. स्विस कैनाल के थ्रू मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करता है. एंड इट प्रोवाइड्स मेजर सी रूट्स टू द वर्ल्ड. इंडियन ओशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन, मेजर सी रूट्स टू द वर्ल्ड, कनेक्टिविटी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है. वर्ल्ड के बिजिएस्ट वाटर्स में से ये आता है. ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू सदर्न ओशन. द सदर्न ओशन इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटार्क्टिक ओशन. इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. सदर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से ही इसका नाम सदर्न ओशन पड़ा है. इसको हम एंटार्क्टिक ओशन के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ फॉर्म बाय मर्जिंग ऑफ इंडियन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन, यानी जहाँ पे मर्जर होता है इंडियन अटलांटिक और पैसिफिक ओशन का, उसको हम बेसिकली सदर्न ओशन के नाम से जानते हैं. ऑलराइट, लास्ट इज आर्कटिक ओशन. द आर्कटिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. सबसे छोटा है और नॉर्थ पोल में मिलता है. इट इज़ पार्शली कवर्ड विद आइस थ्रू आउट द यह पोल्स के पास होने की वजह से ये साल भर जो है आइस से ऑलमोस्ट कवर रहता है. इट इज़ लोकेटेड अराउंड द नॉर्थ पोल ड्यूरिंग समर. द आइस मेल्ट्स, धीरे धीरे समर सीजन में आइस मेल्ट होता है और बड़े बड़े आइसबर्ग्स बनते हैं और उनके थ्रू फ्लोटिंग आइलैंड्स बन जाते हैं. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ फ्लोटिंग आइलैंड. यू कैन सी यह आइसबर्ग है जो कि पिघल गया है और इसी के ऊपर जो है इन्यूट्स ने अपने घर बनाए हुए हैं. ऑलराइट, इट सराउंड्स यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड. यहाँ कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एरियाज है? यूरोप भी है, एशिया भी इसके पास है, नॉर्थ अमेरिका है और ग्रीनलैंड है. ऑलराइट, तो आज हमने कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में पढ़ा, 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, उनकी विशेषताएँ, और इसी तरह 5 ओशंस और उनकी विशेषताएँ. सो नाउ लेट्स गो थ्रू द कैटलॉग. देर आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स दैट वी केम अक्रॉस इन द चैप्टर. फर्स्ट इज एटमोसफेयर. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज दैट सराउंड्स द अर्थ, है ना, जो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अर्थ है, कवर करती है अर्थ को. इक्वेटर, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है 0 degree की, जो कि अर्थ को 2 हिस्सों में या 2 इक्वल हाफ्स में बांट देती है. राइट, हेमिस्फेयर, वन ऑफ द हाफ ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई इक्वेटर और बाई मेरिडियन. हेमिस्फेयर मतलब जब अर्थ को हम 2 हिस्सों में बांट देते थे, उसके एक हिस्से को हम हेमिस्फेयर बोलते हैं.
Biodiversity, variety of living organisms, any different kinds of living organisms, and topography means the physical feature of an area. ठीक है, यानी land कैसी है, पहाड़ है, valleys है, plateaus है, rivers है, all these things. Clear? Now let's look over what all we studied in this chapter. We have studied that earth is the only planet known to have the atmosphere that contains oxygen. यानी सिर्फ earth में ही एटमोसफेयर है जिसमें ऑक्सीजन होता है. देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस, ये हमें पता चला है. मेरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ. इस्थमस इज अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड. कोरल रीफ इज अ रिज ऑफ रॉक इन सी फॉर्म्ड बाय ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोरल्स. कोरल्स के छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं कोरल्स, जिनकी डिपॉजिशन की वजह से कोरल रीफ, जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का, वो फॉर्म हुआ है. ऑलराइट, नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइजेस. इट्स टाइम टू डू देम वन बाय वन. सबसे पहले हम एमसीक्यूज करेंगे. सो लेट्स बिगिन द एमसीक्यूज. अर्थ इज द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन. सो अर्थ इज फोर्थ, सिक्स्थ, थर्ड और सेकंड. सो अर्थ कम्स एट द थर्ड नंबर. सोलर सिस्टम में अर्थ तीसरे नंबर पे आता है. सो सन से अगर हम गिनना शुरू करें तो मर्क्यूरी, वीनस एंड देन अर्थ. सो थर्ड नंबर. ओके, सेकेंड, डैश इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिका. अगर हम लैंड का कंपैरिजन करें तो फिर एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ऑलराइट, सो वी विल टिक मार्क ऑन एशिया. देन थर्ड वन, डैश इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, एंटार्क्टिका. सो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर. आगे बढ़ते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. एक एक करके हम suitable words फिल करेंगे and then we are going to complete the sentences. The first one, large land masses are called continents. ठीक है, जो large land masses होते हैं उनको हम continents बोलते हैं. Next, second, dash and dash are countries located in Asia, China and India. दो important countries है जो कि हमारे एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है. ठीक है, चाइना एंड इंडिया, ये दोनों ही एशिया के इम्पॉर्टेंट कंट्रीज में से आते हैं. थर्ड वन, द डैश इज कॉल्ड अ वाइट कॉन्टिनेंट. किस कॉन्टिनेंट को वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं? राइट, एंटार्क्टिका को वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमेशा किस चीज़ से घिरा रहता है? बर्फ से. All right, so Antarctica. All right, fourth one, a rich amount of plants and animals are found in. कहाँ पे बहुत सारे variety of plants and animals मिलते हैं? Amazon में. All right, Amazon में. और Amazon कहाँ है? Can you tell me? Amazon is in America. Alright, Amazon के जंगलों में मिलता है. Fifth one, dash is the smallest ocean in the world. सबसे छोटा ocean कौन सा है world का? Arctic. ठीक है, Arctic is the smallest ocean in the world. Arctic. ठीक है, now let's come to true and false. We have to read these statements and then we have to tell whether these statements are true or whether they are false. तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं. 71% of earth's surface is covered with water. Yes, it is true. बिल्कुल सही है. Next is second, the Thar desert is the coldest desert in the world. No, it is hot deserts में आता है. So this is false. Coldest desert तो गोभी desert है. ठीक है, थर्ड, अफ्रीका इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. नो, दिस इज़ फॉल्स. अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स में से आता है. सो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स. फोर्थ, ऑस्ट्रेलिया इज़ नोन एज एन आइलैंड कॉन्टिनेंट. येस इट इज़, क्योंकि ये बहुत छोटा है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. सो दिस इज़ ट्रू. फिफ्थ, अटलांटिक ओशन इज़ कनेक्टेड टू द मेडिटेरियन सी बाय स्विस कैनाल. नो, दिस इज़ फॉल्स. ये गलत है. Alright, so children, I hope that you have done all these important exercises in your book or notebook
and you have also understood the concept of oceans and continents quite well. अब आपको पता है कि कौन से continent में क्या क्या important locations हैं, कौन सा continent size के हिसाब से कितना बड़ा है and इसके important features क्या हैं, right? So I hope children that you have enjoyed today's session and you have completed the exercises as well. So with this we come to an end to today's session. I will meet you soon with a new chapter of your book, that is Jelly Bean Journeys. So stay tuned and stay well. All right, bye bye and take care.